Hello and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Next on our guest list is a veteran from Gujarati cinema. He is an actor, director and a writer. So let's welcome Jitendra Thakkarji and get to know about his life, his experiences and his journey till now. Yes, he's there. Hello, Akhilesh ji. Hello, Karthik. Good to see you online. I'm just waiting for Jitendra ji to. Hello, sir. Hello, how are you? I'm good, sir. I'm good. आप कैसे हैं? बस fine. मजामा. मिलने का इंतजार कर रहा था अपने यारों दोस्तों से और आपके साथ. Okay, great. तो सर ये बताइए कि आपके जो अभी लॉकडाउन पीरियड है, आर्टिस्ट के लिए क्या होता है, आर्टिस्ट को रोकना बहुत मुश्किल काम है, तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे समय की कमी के कारण? हाँ, पहला जो हफ्ता था, पहले 7-10 दिन तो जरा कठिन हुआ. क्या करना है, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ ख्याल नहीं आता था, क्योंकि ये ऐसा मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि इतने दिन सबको घर रहना, कोई बीमार आदमी रहता है, कोई अपने कारण से रहता है, वो अलग बात है, मगर तो 10 दिन तो कुछ पता नहीं चला कि क्या करूं क्या नहीं. मगर उसके बाद मेरा जो सन है वो बिजनेस भी करता है और एक्टर भी है, तो वो बाहर से आया, बोले डैडी आप ऐसे उदास क्यों हो, अपने तो आर्टिस्ट है, चलो कुछ करते हैं. तो हम दोनों ने मिलके कुछ स्टार्ट किया. इंस्टाग्राम पे मैंने मेरा खुद का वन मैन शो किया, 25 उसके एपिसोड भी आ गए, रघु महाराज. ओके, वो बहुत क्लिक हुआ. Okay. उसके बाद हमने दोनों ने मिलके और उसके दो दोस्त हैं गुरु सोनक एंड विक्रम पंचाल के साथ मिलके अच्छा. एक वेब सीरीज भी की. Okay. मगजमारी. बस तो ये तो चलता गया. हाँ यस, हम लोग हम उस वक्त आई थिंक चार लोग साथ में थे. आई नो. तो आपने इस मतलब आपने पूरी अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया, आपने इसके अंदर यू नो वेब सीरीज भी बना दी, आपके छोटे छोटे शोज भी बना दिए. सो आप ये बताइए लाइक यू नो जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, जैसे आपने बोला कि आपका जो बेटा है वो भी एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस आई थिंक गुज्जू फैमिलीज के रगों में होता है, यू नो एवरीबॉडी इज अ बिजनेसमैन इन गुजरात. सो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब व्हेन यू वांटेड टू बी एन एक्टर? आई एम श्योर तब शायद इतने एवेन्यूज नहीं थे मतलब एक्टिंग के और इन सब चीजों के, तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, और क्या आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? हाँ नहीं, जब मैं छोटा था मतलब स्कूल में पढ़ता था, तब से घर में एक वातावरण था. okay. मेरे डैडी जो है वो स्कूल में टीचर हुआ करते थे और वो अपना ग्रुप चलाते थे ड्रामा का. तो स्कूल में जिसको इंटरेस्ट हो उसको सिखाते थे और परफॉर्मेंस भी कराते थे. तो मैंने वो देखा और मैं और मेरा भाई दोनों उनके साथ जुड़ गए और स्कूल डेज से ही हम लोग ड्रामा करते थे. फिर आया रेडियो का जमाना, तो फादर के साथ हम रेडियो में भी जाते थे और रेडियो प्ले भी करते थे. और उसके बाद 9th में जब मैं था तब फर्ज पिक्चर आई थी जितेंद्र की, बबीता और जितेंद्र की फर्ज. तो वो मैंने देखी तो मैंने सोचा ये तो मैं ही हूँ, मुझे तो यही करना है. मेरा नाम पहले ज्योतिंद्र था. हाँ, क्योंकि मेरे फादर को ज्योतिंद्र दवे जो कॉमेडी राइटर है वो पसंद थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ज्योतिंद्र रखा. मगर मैंने जितेंद्र देखा, मैंने बोला मैं तो जितेंद्र बनना चाहता हूँ. right. फिर मैंने स्कूल में ही अपने दोस्तों को बोला कि अब से मेरा नाम जितेंद्र right. है. okay. तब से लेके आज तक मेरा नाम जितेंद्र हो गया. और वैसे ही मैं सोचता था कि मैं फिल्मों में आऊ, मगर मैं फिल्मों में तो उस वक्त नहीं आ सका क्योंकि मैं छोटा था. मगर हम लोग अहमदाबाद में आए तब मैं कॉलेज में जॉइन हुआ और कॉलेज से ही मैंने ड्रामा स्टार्ट किया. उस वक्त थी कि लोग हमारा ड्रामा देखने के लिए आए, 10 रुपया उस हाईएस्ट चार्ज था टिकट का,
लोग आए, ऐसी ख्वाहिश थी। तो मैंने 74 में पहला प्रोडक्शन किया ड्रामा का, ओके और लोग हमें देखने आते थे। और पहला ही मेरा प्रोडक्शन जो राइट था वो सिल्वर जुबली हुआ ड्रामा, एज अ प्रोड्यूसर एक्टर। ओके तो और बस तब से ही ये दौर ये चालू आपकी हुआ। बेसिकली अभी थर्ड पीढ़ी है, जो आपके बेटे भी इसमें हैं, तो अभी आपकी थर्ड पीढ़ी है जो इस इस बिजनेस लाइक प्रोफेशन से जुड़ी जुड़ी हुई है, एक्टिंग के करियर से जुड़ी हुई है। आज अब जैसे आपने बताया कि आपको तो आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, और आपने आपने और आपने भा, आपके भाई ने इसको ज्वाइन किया उनके जो थिएटर ग्रुप को था। तो उसके बाद जैसे आपने यू वांटेड टू बी, आपने प्ले लिखे, आपने उसके बाद प्ले डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया, तो जो आपकी जर्नी है लाइक यू वांटेड टू सी योरसेल्फ इन बिग स्क्रीन, वो कैसे स्टार्ट हुई? बिग स्क्रीन तो नहीं हुआ, मगर टीवी सीरियल्स हमारे आई थिंक 79 में स्टार्ट हो गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उस वक्त हम लोग उसमें काम किया करते थे। तो उसके बाद कलर टीवी आया, दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। तो दूरदर्शन की सबसे पहली जो कमर्शियल सीरियल थी उसमें भी मैं था। और उसके बाद तो ऐसा दौर चला कि दूरदर्शन में 10 सीरियल अनाउंस होती थी, उसमें से 9 में मैं था। तो आई एम श्योर आप, बिकॉज आप जब स्टार्टिंग हुआ जो इंडिया में जो दूरदर्शन की जो जिसे बोलते चैनल का जो स्टार्ट हुआ था वो दूरदर्शन से हुआ था, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल होता था और पॉपुलैरिटी भी बहुत होती थी। तो आपने वो दौर जी देखा है जहाँ पे एक्टर्स को जस्ट नेक्स्ट टू गॉड जिसे बोलते हैं इस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि 10 सीरियल में से 9 सीरियल में आप हुआ करते, तो आपकी पॉपुलैरिटी के कुछ किस्से होंगे? आई एम श्योर कहीं आप जाते थे तो लोग आपको पहचान लेते यस, होंगे। तो उस वक्त तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना पॉपुलर हुआ हूंगा। जी तो मैं ड्रामा करने के लिए यूएसए गया, आई थिंक 98 में गया था ओह वाह ड्रामा करने के लिए, पहली बार 98 में गया था। तो उस वक्त मेरी सीरियस तो काफी चलती थी गुजरात में। जी तो मैं एक जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उसके वहां उसकी शॉप थी, राइट वहां बैठा था। या और आई थिंक ओके न्यू या जर्सी वहां शॉप में बैठा था। तो दो लड़कियां शॉपिंग कर रही थी ओके और मैं काउंटर पे बैठा था। तो वो शॉपिंग करती थी, मेरे सामने देख रही थी। मैं सोच लड़कियां मुझे क्यों देख रही है, शायद कोई रिलेटिव होगी या राइट कुछ होगी। राइट तो फिर वो घबराती हुई मेरे पास आई और मुझे बोला कि आप गुजरात के हैं? मैंने बोला हाँ। तो आप टीवी सीरियलों में काम करते? मैंने बोला हाँ मैडम। आप गुजरात के हैं? नहीं, हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ के हैं, मगर गुजरात हमारा, हम गुजराती हैं। तो हम अभी यहाँ एशिया टीवी स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा उसमें सब गुजरात की सीरियलें आती है, ओके तो आपको तो हमने कल ही देखा था और आपकी सीरियल तो अक्सर आती रहती है। तो फिर मैंने बोला अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर मैंने मेरे दोस्त को पूछा, बोले हाँ। तो फिर उसके बाद मैं जहां जहां भी जितने लोगों के पास गया यूएसए या में, जो भी सिटी में राइट गया, तो खाने बैठता था जिसके घर गेस्ट हुआ करते थे हम लोग। जी तो जिसके घर भी जाते थे तो घर वाली जो मैडम होती थी या दादी माँ होती राइट थी, वो बोलती थी हम तो ये आपकी सीरियल रोज देखते हैं, आप राइट तो हमारे घर रोज आते हो। तब मैंने देखा वो हमको तो पता ही नहीं, हम यूएसए में भी पहुंच तो गए ये हैं। एक अलग ही तो एक्सपीरियंस है कि आप तो इंडिया की बात सोच रहे हैं, यहाँ यूएस में भी आप इतने पॉपुलर हैं, आपके जो साथी जिन्होंने आपके साथ उसमें वेब सीरीज में काम किया शौनक जी, वो भी आपके साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चैट शो में, एंड वो आपकी बातें सुनते हैं यस और सर, वेरी गुड। आपको बोल रहे हैं क्या बात है जितेंद्र भाई, क्या बात है। आई हैव सीन दैट, जो केमिस्ट्री है आप लोगों की, आई हैव सीन दैट इट इज अमेजिंग। सो तो ये पॉपुलैरिटी जो थी उस टाइम पे, तो आपको डेफिनेटली एक होता है जब आप किसी भी बाहर देश के, अगर कहीं पे भी आपको कोई पहचानता है आपके काम के लिए, इट्स अ बिग थिंग। सो अब जैसे आपने अपनी इसकी बात करी कि आपने बचपन से ही ज्वाइन कर लिया, तो अगर हम बात करें आपके बचपन की, और हम अगर थोड़े फ्लैशबैक में चले और आप बात करें आपकी स्कूल डेज की, तो स्कूल डेज से हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे थे आप पढ़ने में? हाँ, आई एम पढ़ने में तो क्यूरियस। मैं सो तो सो था, बहुत हाँ पास हो जाता था, फेल ओके कभी नहीं हुआ।
मगर स्कूल में बहुत हमने मतलब शैतानी बहुत की, क्योंकि मैं कॉमेडियन था स्कूल से ही, अच्छा तो हमारे जो दोस्त थे वो भी ऐसे थे, राइट और मुझे वो चाबी टाइप करते थे तूफान करने के लिए, और मैं अच्छा अपने कंधे पे उनको बंदूक फोड़ने देता अच्छा था। तो आप मतलब मुझे लीडर पता नहीं चला कि बनते ये थे, लोग, यू वर द लीडर ऑफ द ग्रुप। हाँ ओके मुझे, ओके या यस, मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये लोग मेरे कंधे पे बंदूक आई सी फोड़ रहे हैं। दिस या मैं तो कुछ ओके ऐसे ही, हाँ, मगर स्कूल में हम लोग बहुत शरारत करते थे, और मतलब हमारे वहां उस वक्त सरकार की ओर से बच्चों को मिल्क और प्रोटीन दिया जाता था अच्छा फ्री में। अच्छा हाँ, तो वो हमारे लालच होती थी, अरे वाह, हमको तो एक ग्लास दूध मिलेगा और उसमें प्रोटीन चॉकलेट पाउडर अच्छा देते थे, ओके हाँ तो उसके लिए जाते थे। फिर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बाढ़ आ गई, कैसा कुछ था, तो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई हमको चंदा देना है, और कुछ ना कुछ आप धंधा करो, कुछ करो, गांव में जाओ, डिब्बा लेके घूमो, और जो इकट्ठे होते हैं आप चंदे में दे दो। तो मैंने सोचा नहीं, चलो हम तो एक दुकान खोल लेते हैं छोटी। तो घर से कुछ टेबल कुर्सी ले आए, और बाजार से थोड़ी ककड़ी ली, टमाटर लिए, और नमक और मिर्ची लेके आए, काट काट के सबको 10 बोले, 1 रुपये का ले लो, 1 रुपये का ले लो, ऐसे करके 100 200 जमा करके हमने चंदे में भी दिए थे। तो वो और आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस कि ये चीजें तो एक गुजराती माइंड में ही आ सकती है। अगर मुझे कोई चंदा लेने के लिए जाए तो मैं तो ऐसा नहीं सोच सकती शायद कि मैं एक अपना यू नो एक बिजनेस स्टार्ट कर दूं, वो भी वेजिटेबल मतलब ककड़ी का बिजनेस स्टार्ट करके उससे पैसे कमा लूं। सो आई एम श्योर कि ये तो आपके जो है ना हाँ, कि इतना जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं आपके गुजरात के रूट से जरूर आया है। यस यस, और हम बिजनेस पीपल हैं, हमारा पूरा खानदान उसके मैं अलावा ही ये तो आपने, ये तो एक्टिव कोई शरारत नहीं करी आपने, ये तो बहुत अच्छा नेक काम किया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट शरारतें, जो आपने कुछ शरारतें करी होंगी और यू नो कुछ ना कुछ तो ऐसी मस्तियां करी होंगी जो शायद आपके घर पे यू नो आपके जो परिवार वाले हैं उनको भी नहीं पता। ऐसी कोई शरारत है क्या जो आपने अभी तक छुपा के रखी है? नहीं, ऐसी तो कोई शरारत नहीं थी, क्योंकि हमारी शरारत जो भी थी वो खुलेआम थी। राइट हाँ, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी था, और घर वाले जानते हैं कि हमारा लड़का शरारती हाँ है, तो वो हमारे बदले में वो माफी मांग लेते थे, भाई बच्चा है छोड़ो जाने दो, ओके अब की बार ऐसा नहीं अच्छा करेगा। ओके मगर हम लोग जब टूर में जाते थे, प्रवास में, राइट वन डे पिकनिक, राइट तो हम सब दोस्त जो घर से लाते थे डिब्बे, वो नाश्ते लाते थे, तो मैं अपना नाश्ते में तो क्या वो थेपला होता है हमारा हाँ इधर हाँ घर आई नो से, हाँ हाँ मम्मी, खाया हाँ जी हाँ अचार और थेपला और गुड़ बहुत वो मजा था देती थी मम्मी बना के, उस जमाने में तो वही था, सैंडविच तो हमने नाम भी नहीं सुना था उस वक्त। मगर हमारे जो एक दो दोस्त थे वो उसके रिलेटिव बम्बई रहते थे, तो बॉम्बे से आइस हलवा जी लाते थे और अच्छी कुछ मिठाई लाते ओके थे, तो वो बोलते मैं खा जाता था, बोले ये मैं खा लेता हूँ, तू मेरा वाला खा, बहुत अच्छा है, अच्छा ऐसा हाँ करके हम खा जाते हाँ थे। फिर वो रोने लगता था लड़का, और घर पे हमारे वहां आके मम्मी को बोलता था कि आपका लड़का मेरे लड़के का वो हलवा लाया था खा बम्बई से, गया वो खा गया। तो ऐसी छोटी छोटी शरारतें राइट हुआ करती थी। राइट तो आप काफी टाइम तक लाइक यू नो आपने ये एक्टिंग करियर के साथ साथ आपने अपना जो प्रोफेशन है यू वर देयर वर्किंग आल्सो, आप एक जॉब में भी थे, उसके बारे में आप बताइए हमें। हाँ, मैं 84 से गुजरात गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट में जी था, तो मैं ड्रामा की ही जॉब थी, मुझे ड्रामा जी जे कंपटीशन थी, ड्रामा के कलाकार थे, उनको ही सबको ऑर्गेनाइज करना था, हेल्प करनी थी, ऐसा ही मेरा ये जॉब था। राइट तो मैंने सोचा कि चलो कर लूँ, मगर मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी जॉब करूंगा, मुझे तो बस खाली ये एक्टिंग ही तो करनी आपको थी। ये मगर गुजरात गवर्नमेंट ने जॉब ऑफर की थी कि बिकॉज़ यू आर सो एक्टिव इन यू नो नहीं, वो अखबारों में इश्तेहार आया था कि एक आर्टिस्ट की जरूरत है, जी कि जो भी आर्टिस्ट हो और गवर्नमेंट में जॉब करना चाहता राइट हो। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, तो अप्लाई किया, राइट तो उसमें 70 लोग आए थे, ओके 70% कैंडिडेट्स थे, राइट उसमें से मैं सिलेक्ट हो राइट गया। और मुझे एक ही बात मेरे जो इंटरव्यू लेने वाले आईएएस ऑफिसर थे उसने पूछा
कि भाई आप तो ड्रामा में काम करते हो, अच्छा कमा लेते जी हो, तो यहाँ तो आपको 5,000 से जी ज्यादा पगार नहीं मिली हाँ उस जमाने में। 5,000 मतलब आज के 50, जी 84 की जी बात कर रहा हूँ, 83 एंड। जी तो मैंने बोला कि सर आपकी बात बरोबर है कि जॉब में पैसा कम मिलेगा मगर मैं वहां ज्यादा कमा लेता हूँ। मगर एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, बुरा मत लगाना, ये मैंने 100% ये बात की थी, एक शब्द भी मैं झूठा नहीं जी बोल रहा जी हूँ। मैंने वो आईएएस ऑफिसर को बोला कि सर जो वेश्या के प्रोफेशन में औरतें होती है जी उनको भी पैसा मिलता जी है, और जो लड़कियां और होती है और जॉब करती है उनको भी पैसा मिलता है, मगर फिर भी वो जो वेश्या होती जी है उसको ऐसा होता है कि मैं कभी अपना घर बसा लू, जी शादी कर लू। जी शादी करेगी तो इतना पैसा नहीं मिलेगा उसको कि जितना यहाँ मिलता है मौज शौक करना, जी मगर फिर भी उसकी एक तमन्ना रहती है कि मेरा खुद का एक घर जी हो, मेरा एक पति हो। तो वैसी ही मेरी है, मैं पैसा ज्यादा कमा लेता हूँ मगर मेरा कोई घर नहीं, ओके जी इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक घर हो जहां मैं कुछ कर सकता जी हूँ, अच्छा कर सकता जी हूँ, मुझे बुरा नहीं करना, जी इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। नाटकों में रहूंगा तो मुझे डबल मीनिंग के नाटक भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल मगर मुझे ऐसा नहीं नहीं करना करना। है, राइट। तो खुश हो गए कि वाह, क्या जब मैंने बोला मैं सोने के बीड़े में रहने वाला आदमी नहीं हूं, मैं उठने वाला आदमी। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपने उस टाइम पे बहुत, क्योंकि आप कल्चरल डिपार्टमेंट में थे, तो गुजरात में जितने भी कई अलग अलग स्टेट से जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, आप उनसे भी डेफिनेटली मिले होंगे। तो वो उस टाइम पे जो आपका एक्सपीरियंस, लाइक यू नो 30 साल में कैसा एक्सपीरियंस था, यू नो जॉब का, उसके साथ साथ आप काम भी कर हाँ, उसमें उसमें मुझे ये फायदा हुआ कि इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों से मेरी मुलाकात जी हुई, जो सीनियर्स थे, जी विजय दत्त थे, गिरीश जी देसाई भाऊ साहब से जाना जाता है, अभी तो नहीं रहे खा, मगर वो जो लेजेंड कलाकार थे उपेंद्र त्रिवेदी, सब सब मुझे बहुत चाहते थे। जी तो वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी कि मुझे ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग जिनको मिलने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वो मुझे सामने से बुलाते हैं, प्यार करते हैं। तो वो मेरे लिए एक मूड़ी थी, मेरी मुनाफा जी था। और दूसरा ये हुआ कि उस वक्त जो कलाकार नए थे वो हमारी कंपटीशन में भाग लेते थे, उनको मैं बहुत प्यार करता था क्योंकि ये नए हैं, चलो उनको अब मैं हमें आगे लाना है, और मेरा काम ही यही था कि उनको प्रोत्साहित करके आगे लाना है। तो उस वक्त जो कलाकार थे, आज उन स्पर्धाओं में से कलाकार इतने आगे आ चुके हैं कि पूछो मत। सबसे पहला मैंने सर्टिफिकेट बनाया था परेश रावल का, अच्छा, वाह, यस, वो तोखार नाटक में, महेंद्र जोशी का नाटक तोखार था, उसमें वो एक्टिंग कर रहे जी थे, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उस वक्त टाइप राइटर ही था, कंप्यूटर टाइप नहीं जी होता था, तो उनका सर्टिफिकेट मेरे हाथों से लिखा वाह हुआ है, परेश रावल मैंने लिखा जी है। और उसके बाद जो अभी कलाकार हैं, जेडी मजेठिया, उनकी अभी सीरियल आ रही है जी सब जी टीवी में, पाखरवड़ी, जी उसके वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हैं, वो लोग हमारी कंपटीशन में आया करते थे। ओके, विपुल अमृतलाल, विपुल अमृतलाल शाह जो अमिताभ डायरेक्टर, बच्चन अक्षय कुमार सी फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो हमारी कंपटीशन में एज अ स्टूडेंट आया करते थे। और अपने ये आमिर खान, वो भी उनके जिया जी महेंद्र जोशी के ड्रामे में बैकस्टेज करने आते थे। वाह तो वो सब लोग, मैं तो, हमें तो पता नहीं था कि ये लोग इतने आगे आने वाले हैं, जी मैं तो प्यार मोहब्बत उनसे भी करता था, मगर जब वो बड़े हो गए तब भी, आज भी वो मुझे इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। विपुल अमृतलाल शाह के फ्लोर पे मैं गया था बॉम्बे, उन्होंने फोन करके बुलाया कि सर आए तो आप आओ, जी तो मैं गया, तो वहां ऐश्वर्या राय और अपने अक्षय कुमार की शूटिंग चल रही राइट थी, अक्षय कुमार नहीं थे, जी ऐश्वर्या जी वहां थी, और काफी 200 आर्टिस्ट थे, राइट मॉक कोई सीन चल रहा था, तो मैं वहां गया तो शूटिंग उन्होंने स्टॉप कर ओ दिया, ओके बोले मेरे दोस्त आए हैं, मेरे सर आए, आइए, तो मुझे बाहों में जकड़ लिया, तो सब देखने लगे, और मैंने बोला कि क्या बात है, ये लोग इतने आगे बढ़े हैं और मैं तो अभी एक्चुअली कुछ भी नहीं। ग्रैटिट्यूड कि मतलब जैसे आप नहीं भूलते जिन्होंने आपको, मतलब इस प्रोफेशन में ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी ने अगर हमारे लिए कुछ भी किया है तो हम उसको ना भूलें और उसको सही याद बात है, रखें। और यू नो आपके जो मतलब प्रोफेशन तो आपका था ही, उसके अलावा आपके जॉब में भी आपने इतना रिस्पेक्ट अर्न किया है कि
कि लोग वहां पे भी आपको प्यार करते थे और यहाँ पे भी प्यार करते थे, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ योर सही बात, कैरेक्टर, यू नो, जो आप एक जो इंसान है उसके कारण. सो सही ये बात, सारी चीजें, यू नो, आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं, जो आज भी आप बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट यू नो, आप जो इतने आगे आए हैं आपके एक्सपीरियंस के कारण और इन सब चीज के कारण. सो अभी जैसे हमने यस इसकी बात करी, आप ये बताइए कि आगे के आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं आपके? अभी मैं शूटिंग तो फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि जो मगजमारी सीरियल है वो दो थैंक यू, एपिसोड जस्ट मैंने हो एक्टिंग गया. की, ओके. और मगर अब मैं एक्टिंग उसमें नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। मैं उसमें जुड़ा हूं, मेरा लड़का है, तो मैं ही एक्टिंग करूं ऐसा नहीं है। राइट. दूसरे अच्छे अच्छे जो कलाकार हमारे दोस्त हैं वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, और अभी सब बात जो है विक्रम पंचाल और शौनक और जस वही संभालेंगे। ओके मैंने अपने आप को उसमें से अलग कर दिया है, क्योंकि मैं अभी लिखने में व्यस्त हूँ, ओके क्योंकि मैंने एक वेब सीरीज साइन की है ओके एज अ राइटर डायरेक्टर, तो उसके 5 एपिसोड मैं आज पूरे किए ओह हैं वाह. और लिख लिए ओके पूरे, और बाकी अभी मैं 10 दिन बाहर जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी, जी और वहां जाके लिखूंगा। ओके 10 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ये जुलाई एंड तक, जी तो 31 अगस्त मेरा बर्थडे है, तो मेरे प्रोड्यूसर को मैंने बोला है तब तक ये मामला कोरोना वाला कुछ कम हो नरम जाए. हो जाएगा, जी तो 31 अगस्त मेरी बर्थडे के दिन ये नई वेब सीरीज का शूटिंग हम स्टार्ट ओके करेंगे, जिसका मैं राइटर और डायरेक्टर राइट. हूँ। प्रोड्यूसर मेरे एक दोस्त है, क्योंकि मैं अभी वो बोल नहीं सकता उनका नाम, क्योंकि ये लाइन में ऐसा है कि लोग वहां पहुंच जाएंगे जी, समझ कि गई. मैं तो इसलिए उनका नाम हम बाद में जाहिर जी करेंगे। मगर एक कॉमेडी सीरियल है, बहुत जबरदस्त अभी तो माहौल बना है, 5 एपिसोड आप मुझे ये बताइए, मेरे पास। इतने सारे जो आप रोल निभाते हैं, मतलब आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और आपने बताया आप प्रोड्यूस भी करते हैं, तो आपको इन सब चीजों में सबसे ज्यादा मजा कौन से, जिसे बोलते हैं ना, उसमें आता है, कौन सा रोल निभाने में आता है? सॉरी, एज एन जी सर. एक्टर, एक्टर मुझे बहुत मजा आता है, ओके. क्योंकि उस वक्त माहौल कुछ अलग अलग होता है, जी. और कोई रोल में जाने का मौका मिलता राइट. है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी डॉक्टर बनता हूँ, इंस्पेक्टर। अभी मैंने हाल ही में एक मल्हार ठाकर जो हमारे जी सुपरस्टार है, जी छेलो दिवस में हम दोनों साथ थे, मेरा जी वो सन था, तो उसके साथ मैंने अभी एक धुआंधार फिल्म की, जी उसमें कैमियो कर रहा हूं, मगर वो मैं एक अलग सा रोल है जी जो मैं नहीं हूं, बुटलेगर, ओके. तो ऐसा रोल करने का भी मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं इसलिए अलग 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 जी, रोल करने का अलग अलग रोल निभाने का जो तो वो मौका मिलता है, अलग अलग किरदार निभाने का, यस वो जनरली हम रियल लाइफ में हाँ शायद नहीं कर वो सकते. राइट. एग्जैक्टली. यस वो उसका मजा कोई और है। फिर भी वो ठीक है, वो काम नहीं होता तब लिखने में मजा जी आता है, डायरेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता जी फिल्मों में। जी एक फिल्म की एज अ डायरेक्टर, जी बाकी सीरियल तो मैंने बहुत की, सीरियलों में मजा आता है, जी फिल्मों में बहुत तामझाम होता जी है और बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ता है, किसका दिमाग कैसा है, तो वो राइट. मुझे जरा शूट नहीं करता, इसलिए मैं उस और ज्यादा नहीं देखता। सीरियलों तो ठीक है, ठीक है फिल्मों में अभी मुझे काफी इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में, एज अ जी. एक्टर राइटर आई एम ओके। तो सर, आप अपने जो जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, और जितने भी ये लोग इस लाइव चैट को देख रहे हैं या जो नहीं देख पा रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारे जो ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन के जो यूट्यूब चैनल है उसमें देख सकते हैं बाद में भी, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में. तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना यस चाहेंगे? बस ऐसा ही प्यार देते रहे आप, और जो हमारे ऑडियंस है मैं उनको बोलूंगा कि जब आपका समय था तब आपने हमें बहुत प्यार दिया, पैसा दिया, आप किसी भी मौसम में हमारे ड्रामा, हमारी सीरियल कैसे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हो आप, और इतना प्यार देते हो। मैं यूके गया, यूएसए गया, ऑस्ट्रेलिया गया, दुबई, मस्कत, जहां जहां भी गया आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। जी अब हमारा समय आया है, मतलब हमारा वक्त आया है कि आप हमें फिल्मों में नहीं देख सकते, क्योंकि मनोरंजन का अभी कोई माहौल नहीं है, थिएटर बंद है, ये मल्टीप्लेक्स बंद है, तो हमारा ये फर्ज बनता है हम आपको
ऐसे ही आके मनोरंजन देते रहें, क्योंकि आपने जो हमें दिया है वो हमें लौटाना है। तो अब हमारा टाइम आया है, जब तक आप थिएटर में आप लोग नहीं जा सकते, हम आपके साथ हैं। हम सब कलाकार, मैं पूरी मीडिया की ओर से आपको बोल रहा हूं कि हमारे सब कलाकार उत्सुक है आपको मनोरंजन देने के लिए, और देते रहेंगे। बस आप सबका प्यार ऐसे ही हमें ऐसे ही मिलता रहा रहे। है और मिलता रहेगा, डेफिनेटली मिलता रहेगा आपको, जैसे अभी तक मिलता आया है, हमेशा हमेशा आपको ऐसा मिलता रहेगा। इसी की कामना करते हैं। आई नीड टू से गुड बाय टू यू एंड यू नो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस चैट पे आए और इतनी अच्छी आपने बातें करी। ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर प्रोजेक्ट सर, होप टू सी यू सून। थैंक यू। कभी ऊपर वाले ने चाहा तो सामना होगा, डेफिनेटली मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल पर्सनली। मिलेंगे, कोरोना थैंक के यू एंड बाद ऑल द डेफिनेटली मिलेंगे। बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।